तो दोस्तों मैं आज का जो ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए लाई हूँ। आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, मैं उस आवाज़ को बंद नहीं कर सकती हूँ। पीछे हमारे घर के बाहर जो हैं वो जो कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, जिनमें हमारे कुछ बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, और उनको हम मना नहीं कर सकते हैं, घर के बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए आप। और आज का जो टॉपिक है, जो उस पे मेन मुद्दे पे आते हैं, जो आज का टॉपिक है वो है टॉपिक पंजाब से रिलेटेड। पंजाब से रिलेटेड है। आज मैंने टीवी में न्यूज़ सुना था तो मुझे वहीं से मैंने सोचा आज पे आज वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों हमारे पंजाब में बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, मैं पंजाब से हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है इस बारे में बात करना, मैं पंजाब से रिलेटेड हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है बात करना। तो उसी सिलसिले में हम आपसे आज बात करना चाहते हैं। तो पंजाब में आजकल हो क्या रहा है, बहुत ही ज़्यादातर ये केस देखने को मिल रहे हैं, लड़के आईलेट कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, बाहर जाने के सोचते हैं कि चलो हम इटली निकल जाएं, कनाडा निकल जाएं या कहीं और चले जाएं, तो कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में वो क्या अपनाते हैं रास्ता, वो मेन बात है इसमें, इस टॉपिक की मेन बात वही है। वो ढूंढते हैं फिर ऐसी लड़की जिसके साथ शादी करके वो बाहर सेटल हो, वो चीज़ है, तो वो ऐसी लड़की ढूंढते हैं जिससे कि हमारा बाहर जाने का रास्ता खुल जाए। तो ऐसी लड़कियां मिल भी जाती हैं, बड़ी इजीली मिल जाती हैं कि चलो, फिर वो उधर से डिमांड आती है कि आप इतना खर्चा कर दीजिए, बाहर भेज दीजिए, शादी कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे, 3 महीने बाद हम बुला लेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो तो मिल जाती है, शादी भी हो जाती है, लड़की बाहर भी चली जाती है, 3 महीने के बाद तो लड़के को बाहर ले जाने का झांसा दे करके आराम से बाहर चली जाती है, और बाहर जा करके भूल जाती है लड़के को, हर जगह से ब्लॉक करती है, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो भी सोशल ऐप हैं जहाँ से उनकी कांटेक्ट बात होती है, कांटेक्ट होता है, वो कभी अपनी माँ के नंबर से फ़ोन करता है, कभी खुद के नंबर से फ़ोन बात करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाती है, वो हर नंबर को ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक करने से फिर क्या होता है कि कनेक्शन टूट जाता है, जिससे कि वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती है, हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ बहुत गलत है, और बहुत रफ्तार से ये चीज़ हमारे पंजाब में बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में दिख रहे हैं। अगर आपको बाहर जाना है थोड़ी मेहनत कीजिए, बाहर जाइए, अगर कब किसी के तो न्यू मैरिज होने के बाद ही तुरंत चले जाते हैं, किसी के पीछे कोई एक बच्चा छूट जाता है, वो बच्चा माँ ढूंढता है, उसके परिवार वाले उसको उसकी माँ की फ़ोटो दिखाते, बेटा देख तेरी माँ है। तो मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आती है, एक माँ कैसे भूल सकती है कि वो पीछे अपना एक बच्चा छोड़ के जाए, इतनी हिम्मत तो किसी बहुत बड़े दिल वाले में होती है, एक माँ में तो ये हिम्मत नहीं हो सकती, ये उन्हीं में हिम्मत होती है जो जिनका काम ही धोखाधड़ी का होता है, वो धोखा देते हैं, चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सब रिश्ते नाते, बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरी बात गलत लगे तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, अगर सही लगे तो भी कमेंट कीजिए, हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, हमें भी पता चले, हमारी खामियाँ, हम अपनी वीडियो में क्या बता रहे हैं, हमारी खामी क्या है, हमारी अच्छाई क्या है, इस वीडियो में हम क्या शेयर कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का हमारी वीडियो पर, आप लोगों का ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा, और जो मैंने आज टॉपिक छेड़ा है इस टॉपिक पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
सोच विचार करने की बात है, सोचने का मुद्दा है। ये इतनी तेजी से ये फैल रही है। आज मैंने कई स्टेट की, पंजाब में ही कई स्टेट्स की ये खबर सुनी, किसी का एक साल की बच्ची छोड़ गई कोई, मतलब ये धोखाधड़ी इतनी बढ़ गई है। एक बाहर जाने के नाम पर इंडिया में काम की कमी नहीं है, करना चाहो तो इंडिया में काम, पैसा बेशुमार है। बाहर कुछ खास नहीं मिलेगा, बाहर जाने की उम्मीद क्यों करता है कोई अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो? खुद जाने की हिम्मत होनी चाहिए अगर जाना चाहता है तो। पहली बात तो ज़रूरत है नहीं, अपने इंडिया में कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर बाहर जाना चाहते हैं तो अपनी मेहनत से जाइए, किसी के भरोसे मत जाइए। कोई आपको बाहर लेके नहीं जाएगा, 100 में 1 होता है जो ले जाता है। अच्छी घर के अच्छी परवरिश का नतीजा होता है वो जो अपना वादा करके निभा लेता है, और पीछे फिर लड़ते रहते हैं केस। लड़की वालों के पेरेंट्स पे केस कर दिया, कुछ 3-4 बंदे पकड़ लिए उन पर केस कर दिया, फैमिली मेंबर पर, फिर लड़ते रहो मरते रहो आपस में, लड़की तो निकल गई फुर। गलत चीज़ है। इन चीज़ों को पहले ही ध्यान में रखते हुए आप लोग हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। जल्दबाजी के नतीजे ही होते हैं जो हम लोग भुगतते हैं। फिर बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जा चुके हैं। आज मैं टीवी में देख रही थी तो मुझे बहुत सी जगह की ये न्यूज़ सुनने को मिली, जगह जगह मतलब मैं हैरान हूँ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रिश्तों के नाम पर भी धोखा, धोखा तो हमारे फितरत में ही नहीं है इंडियन लोगों से, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बात सही लगे गलत लगे कमेंट में बताइए, और जो भी लोग न्यू विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंस्टा का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।